नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी से कभी किसी ने पूछा है वो राजनीति क्यों करते हैं? क्यों करते हैं वो? ये तो चाय वाले खाली नहीं और इसने चाय वाला चाय वाला चाय वाला करके पूरे देश को उल्लू बनाया, 15 लाख की जुमलेबाजी की। आए आपके अकाउंट में दोनों 1500 तो आएगी, 1500 तक 750। सुन लो पुलिस के भाइयों बहनों, ये औरतें जो यहाँ बैठी है 2018 से इनको 1500-750 जो केजरीवाल सरकार और नरेंद्र मोदी को इनको देना था वो अभी तक नहीं आए। मैं जानती हूँ पुलिस के बहुत सारे भाई बहनों के वेतन में भी देरी हो रही होगी, संपर्क कीजिए, हमारी यूनियन है। मैं जानती हूँ यहाँ नहीं कर पाएंगे, यूनियन का नंबर आपको दे देंगे, नंबर यहाँ पर लिख भी देंगे, संपर्क कीजिए। हम सबको संगठित करते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि कौन आज आप पहुंच गए कल आप यहाँ भी खड़े हो सकते हैं। ये सरकार और सरकार की नीतियाँ, पुलिस में काम करने वाले जो छोटे मोटे सिपाही है, कॉन्स्टेबल है, ओआरओपी 1 rank 1 पेंशन क्या किया इस सरकार ने? कहां गया वो ओआरओपी 1 rank 1 पेंशन? वहां पर देश की सीमा पे रखवाले वो देखो, 15 लीटर भारत में सिपाही काम करता है। एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 15 घंटे सिपाही काम करते हैं, मतलब काम के घंटे 8 भी नहीं है, डबल है काम के घंटे, और ओवर टाइम का भुगतान भी डबल रेट से नहीं हो रहा। आपको तुरंत संपर्क करना चाहिए। वॉलंटियर मतलब क्या?
बेकार जैसी स्थितियों में काम करवाना, यह 3 दिसंबर के नोटिस का आप कह सकते हो लूटन हुआ, उसका निचोड़ यही था कि ज्यादा चू चपड़ की तो ठिकाने लगा दिए जाओगे। हालांकि हमने तो चू चपड़ तो हम करते नहीं है, हमने जो हल्ला बोला उस पर ये हमें क्या ठिकाना लगाते, ये तो इनके ठिकानों का हमने पता कर लिया। मैंने कल ही बताया था लता नेगी, नरेंद्र कुमार सिंह और आज ऐसी 4 CDPR का नाम इसी मंच से बोलूंगी, उनके पते मैंने पता कर लिए है। तैयार होना पहले क्या करना है, घरों पर जाके घरों पर जाने वहां भी घटना चलाएंगे। हमारे पास मैनफोर्ड मतलब मैनफोर्ड थोड़ी विमेन फोर्स की औरतों की कमी तो है नहीं, हम 100 की टीम भेज देंगे, हमारे काम हो जाएगा। तो ऐसी 4 CDPR जो ज्यादा हवाबाजी कर रही है, ज्यादा स्मार्टनेस दिखा रही है, उनके नाम आज मैं हाथ से लूंगी। 3 दिन के भीतर उन्होंने अपनी घटियाई ओछापन बंद नहीं किया तो तुम्हारे घरों के बाहर भी अब लाल झंडे लगेंगे, हल्ला बढ़ेगा, तैयार हो जाओ। लेकिन मेन बात में फिर आती हूँ 3 दिसंबर के उस नोटिफिकेशन पे। 3 दिसंबर की उस नोटिफिकेशन में अरविंद केजरीवाल ने डिपार्टमेंट के जरिए बुलवाया, हम आपको परमानेंट नहीं कर सकते, आप वॉलंटरी कर करो, चलो आप नहीं कर सकते। आप ये मानते हो कि ये काम रेगुलर बेसिस पर होता है, होता है, ये सीजनली काम नहीं है, ऐसा नहीं है गर्मियों के दिनों में होगा, सर्दियों में नहीं होगा, बारिश में होगा और पतझड़ में होगा, सब सब सीजन में होता है काम, 24/7 काम होता है। टेरिटोरियल नेचर मतलब कि नियमित प्रकृति का काम है, रेगुलर बेसिस पर होता है, कर्मचारी को बनना एकदम जायज है, ईमान तो एकदम जायज है। आप नहीं पक्का कर सकते लेकिन हर दूसरे मसले पर मोदी सरकार से झूठ मूठ की नौटंकी वाली लड़ाई करने का जो तुम ढोल करते हो, हमारे मसले पर भी तुम बोल दो कि आपकी डिमांड सही है, दिल्ली सरकार आपकी डिमांड के साथ खड़ी है, आपको बिल्कुल कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। हम नहीं कर सकते लेकिन हम विधानसभा में ऐसे प्रस्ताव पारित करेंगे कि आप सभी लोग परमानेंट हो जाओ। तो क्या कोई सरकार ये नहीं कर सकती है? इसके पास बहुमत है, इसकी तो कोई मिली जुली गठबंधन वाली सरकार है नहीं। तो यानी छोटा मोदी और केजरीवाल और असली मोदी और जो सबसे ज्यादा जिसको जिसके नाम ही करता है झूठ की मशीन, मतलब कॉन्टिन्यूसली इतना झूठ कैसे कोई बोल सकता है, मेरे समझ में नहीं आता। बदहजमी तो होती होगी नरेंद्र मोदी को, सबसे होती होगी, इतना झूठ बोलने पर आदमी कैसे रह सकता है। लेकिन इस मामले में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और भाजपा की केंद्र सरकार हमारी दुश्मन थी, दुश्मन है, दुश्मन रहेगी। या तो लिखित में, अभी भी वक्त है, लिखित में दे दो कि समयबद्ध तरीके से सारी मेहनत को परमानेंट करोगे, कर्मचारी का दर्जा दोगे, वेतनमान लागू करोगे और तात्कालिक तौर पर 25,000 और 20,000 मानदेय वृद्धि करोगे, तो हमारी यूनियन इतना करेगी कि आने वाले चुनाव में, निगम चुनाव में तुम्हारा बहिष्कार नहीं करेगी, तुम आकर प्रचार कर सकते हो। लेकिन अगर हमें ये रिटर्न अग्रीमेंट, ये रिटर्न कमिटमेंट नहीं मिलता है तो आने वाले निगम चुनाव में सभी पूंजीवादी चुनावबाज दलों का खुला भंडा फोर, पूरा बहिष्कार और दिल्ली के एक एक गली में एक एक नुक्कड़ पे जाकर बाकी दिल्ली की आवाम को भी इनकी असलियत बताने का काम हम करेंगे। देखते हैं नागरिकों के नाम जो बच्चा होगा उसका क्या हुआ, ये
नागरिकों के नाम, दिल्ली के नागरिकों के नाम पर्चा आ गया। कल से हमारी टीमें इलाकों में भी घूमेंगी और इलाकों में आप जाओगे तो जरा लोगों को समझाओगे, अपनी फोटो वीडियो लेना। फिर हम दिल्ली में पूरा व्यापक प्रचार करेंगे। उनके पास पैसे की ताकत है, ये पैसे के जरिए मीडिया खरीदकर 30-30 करोड़ रुपए महीने प्रचार पे खर्च करते हैं। इनके पास पैसे की ताकत है, हमारे पास ये है। दीवार से उनका डायलॉग तो सुना ही होगा आपने, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, फलाना है, दुकाना है, तुम्हारे पास